हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायसराय डफरिन के बारे में। भारत में इनका आगमन लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में हुआ। यदि हम इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करें तो भारत आने के बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में एओ ह्यूम द्वारा इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, उनमें कादंबिनी गांगुली एकमात्र महिला सदस्य के रूप में शामिल थी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर। इस वॉर के बाद ब्रिटिश ने बर्मा को एनेक्स करके उसे अपने अधीन कर लिया था। इस दौरान होने वाली तीसरी महत्वपूर्ण घटना है बंगाल टेनेंसी एक्ट। 1973 में केशव चंद्र सेन की अगुवाई में बंगाल के किसानों ने एक ऐतिहासिक विद्रोह किया, जिसे हम पवना विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसी पवना विद्रोह के बाद किसानों को राहत देने के लिए बंगाल टेनेंसी एक्ट लाया गया था।